One photo, please. Thank you. Thank you. Thank you. Welcome back to my new vlog. आज का vlog बहुत सही होने वाला है और गर्म भी होने वाला है क्योंकि हम दिल्ली में बहुत गर्मी हो रही है और आज मीटअप vlog है। हम मीटअप के लिए जा रहे हैं। अब देखते हैं मीटअप में कौन आता है, कैसे आता है, आएगा भी कि नहीं आएगा, कभी पता नहीं। मेरा फैन बन जाइए मीटअप के लिए, मेरा फैन है, मैं तेरा बन जाऊंगी। ये बातें रूपाली कर सकती है बट हमने ना, तू मेरा फैन नहीं है। बोल तो आगे की बात करते हैं। मैं इसका फैन हूँ, तो मैं फैन, इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तो अभी ना हमने लोकेशन डिसाइड करी कैनॉट प्लेस में, सेंट्रल पार्क। अब मुझे ना 4-5 मैसेजेस आए, उनमें उन्होंने लिखा कि सेंट्रल पार्क बहुत बड़ा है, सेंट्रल पार्क में कहाँ पर मिल रहे हो। अब मैंने फिर जब चेक करा तो सेंट्रल पार्क सच में बहुत बड़ा है और मुझे सच में नहीं कोई आइडिया कि कहाँ पर मिलना चाहिए। अब लग रहा है जो 2-4 लोगों ने आना था वो भी नहीं आ पाएंगे क्योंकि मिल ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को। 2-4 ने आना था, इधर उधर ही होगी कि लाइब्रेरी उधर। लाइब्रेरी एक ने, अभी मैंने कमेंट पढ़ा था झंडे के पास आना था, शायद वहाँ पर कोई फ्लैग भी है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अभी ना 12:30 हो रहा है, 2 बजे का टाइम है मीटअप का। मैंने सोचा 12:30 बजे चलते हैं हम, वहाँ जाके मैं देख लेता हूँ लोकेशन वगैरह और जो सी नियर बाय लोकेशन हमें मिलेगी, सही लोकेशन मिलेगी, मैं मैसेज में लगा दूंगा। अब जिस जिसको मिल जाएगा ठीक है, अब जिसको नहीं मिला वो फिर मेरी गलती है, पर चलो कोई बात नहीं। फिलहाल अभी जल्दी से पहुँचते हैं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। मैंने एक जगह पर रोकी थी गाड़ी, जल्दी से सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अभी सेंट्रल पार्क को ही जा रहे थे और यार यहाँ पर ना मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी सारी रोड्स है ना चंडीगढ़ में ना, ऐसे है ऐसे, एक रोड ऐसे, फिर एक रोड ऐसे, फिर एक रोड ऐसे, तो सब कुछ क्लियर है। यहाँ पर इतनी सारी रोड्स है, कहीं को भी जा रही है, कहीं पे भी लाइटें रखी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि चलाना कैसे। अब मुझे नहीं पता लगा, एक जगह पे रेड लाइट थी और मैं वहां से चला गया और मुझे नहीं पता था कि वो ऊपर रेड लाइट है और इस रोड को जा रही है। तो बस आगे किसी पुलिस वाले ने रोक लिया और चालान कट गया। तो अभी मैं मीटअप से पहले चालान कटवाने जा रहा हूँ। अब मीटअप में अलग कटेगा कि कोई नहीं आया तो देखते हैं। चलो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, मैं झंडे वाली जगह पहुंच गया पर यहाँ मुझे पार्किंग नहीं मिल रही। आज कटरडे है तो अभी हम पार्किंग वाली जगह जा रहे हैं जहाँ हमें पार्किंग मिल जाए, फिर पैदल आएंगे। अभी हम सेंट्रल पार्क में आ गए। सेंट्रल पार्क में अभी हमें पता लगा जो जिस साइड से हमने एंट्री करी है गेट नंबर 3 है, तो मतलब यहाँ पर और गेट्स भी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबको गेट नंबर 3 पे बुला लेता हूँ ना, अगर सबको, इन द सेंस जो भी आ रहे हैं तो सबको गेट नंबर 3 बोल देता हूँ और जितना लेट करूँगा उतना लेट हो जाएगा क्योंकि 1 बज चुका है। तो अभी सबको गेट नंबर 3 का ही लोकेशन फॉरवर्ड कर दूँगा। ज़्यादा टाइम पास कर रहे हैं बेलपूरी खा के, धूप इतनी हो रही है और गर्मी इतनी, और यहाँ तो लोग भाई कैमरा लेके घूम रहे हैं, जो भी घूम रहे हैं DSLR लेके घूम रहे हैं वीडियोज़ बनाने के लिए। तो शायद से यहाँ पर सारे लोग क्रिएटर्स ही हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है। यूट्यूब पर आपको देखा नहीं, इंस्टाग्राम पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा। वाली ड्राइविंग वाली दीदी की हवा में जो डालती है वो वाली गाड़ी, वो वाली देखी थी, वो वाली देखी थी। अभी काफ़ी टाइम पड़ा था तो हम ना ऐसे ही खाने पीने जा रहे थे, तो हमें एक इंस्टाग्राम का फॉलोवर मिल गया था, अजय। तो मज़ा आ गया उसके साथ, और उसने हमें इंस्टाग्राम पर देखा, वो भी कौन सी वाली वीडियो देखी जिसमें रूपाली गाड़ी उड़ा देती है। सही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है अगर मीटअप पे लोग आए ना तो मज़ा आएगा, सच में मज़ा आएगा। और ज़्यादा तब तक वेट करते हैं क्योंकि कौन सा क्रिएटर होता है 2-3 घंटे खुद ही पहले आ जाते हैं और इधर उधर धूप से बचने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। हाँ फिलहाल अभी थोड़ा सा नर्वसनेस हो रही है। चंदा मेरी चंदा तू कितनी प्यारी रे, मैंने इसको ये गाना गा के सुनाया और मैंने कहा इस पर मैं रील डालूंगा तेरी बड़ी प्यारी। और अभी ना कुछ बंदों ने कन्फर्म करा है कि वो आ चुके हैं और मेरे को तो भाई धक धक हो रही है। मैं चुप गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या है, बट अभी जा रहे हैं क्योंकि रूपाली थोड़ी काली हो रही है, तो रूपाली के लिए हम थोड़ी सी सनस्क्रीन लगाने जा रहे हैं, नहीं लगानी, और थोड़ी सी मैं भी लगा लूँगा। चलो अब जल्दी से वहाँ पहुँचते हैं यार, लोग कहेंगे साले आए नहीं, कुछ टाइम देखे, 5 मिनट रह गए तो वहाँ पहुँचते, देखते हैं कौन कौन है। ठीक है डर लग रहा है, बस वहीं पर देखते हैं। फिलहाल अभी हम पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी लोग मिल गए, मतलब काफ़ी लोग 3 लोग हैं तो कन्वे अच्छे से नहीं करा। तो ये है धीरज भाई और ये है सौरभ दयाल और ये है ग्रेसी। इंडियन नेम है, ठीक है, कोई ये नहीं समझेगा कि फॉरनर है वो इंडियन है। और कहाँ से आए थे आप? गाजियाबाद से। और आप कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। अरे और आप नोएडा। ये कल भी आए थे, ये कल भी आए थे। एक्चुअली यार हमने इतना मिसकम्युनिकेशन करा कि किसी को बता ही नहीं पाए, तो बड़ा सही लगा यार, सच में आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अच्छा, वैसे आप लोग स्पेशली मिलने आए हो कि कोई काम था यार? अच्छा स्पेशली मिलने आए हो? अरे यार बड़े प्यारे लोग यार तुम सारे के सारे। इंक्लूडेड तू भी अच्छी है, तू भी मेरे साथ है इसलिए तुम सारे बड़े प्यारे हो यार। चलो फिलहाल भी हम वेट कर रहे हैं इन केस एक आधा कोई और आ जाए, ठीक है, क्योंकि तीन का भी नहीं था ऐसे तो यार। मुझे रूपाली ऐसी बात नहीं, मुझे मैसेजेस बहुत सारे आए हैं, ठीक है, उन सब ने मुझे यही कहा था कि आ रहे हैं, मैं गाइड नहीं कर पाया। इनफैक्ट ना मुझे सुबह 3-4 मैसेजेस ऐसे आए जिन्होंने मुझे ये कहा कि झंडे के पास आना है, तो मुझे पता लगा कि एक और शायद से आ गया कोई। हाय, मेरे को आपका नाम पता था, तारा है ना, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा आप अंदर थे, देखो वही जो मैं बता रहा था सबको, किसी को कुछ पता ही नहीं लगा आना कहाँ है, सारे के सारे कंफ्यूज हो रखे कि कहाँ जाना है कहाँ आना है, कुछ नहीं पता, सारा मैंने ख़राब कर दिया। तो फिलहाल अभी कुछ लोग आ गए हैं, तो आपका विकी भाई, ये आपका नाम है अंशु, तो अभी मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग आ गए, वो गैंग तो पहले वाली तुमने देख ही लिया है यार, जो छोटी हाइट वाला जो अच्छी हाइट वाले वो आ गया था। 1, 2, 3 ये एक यार वन ऑफ द बेस्ट मीटअप था, वैसे पहले ही था, दूर दूर से आया और वर्थ था। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि ज़्यादा दूर ट्रैवल करके जा रहे हैं कहीं ऐसा वैसा ना हो, पर वर्थ था यार, बहुत मज़ा आया। अभी हम सब कुछ खाने पीने जा रहे हैं, फिर उसके बाद अब यार अभी कोई आ सकता है, आ भी सकते हैं, मे बी दूर दूर से आ रहे हो, मेट्रो से आ रहे हैं, टाइम मेट्रो से आने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, क्योंकि हम अभी बस अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले निकलते तो हम 3 ही जा रहे थे, तो अभी निकलने वाले थे आप, मतलब हमें लगा कोई किसी को पता ही नहीं लग पा रहा है वो इसका मैं तो 137 निकला था, अभी भी पहुंचा 210। सही बात है यार, यहाँ पर ट्रैवल करने में टाइम लगता है ना, तो 12:30 थोड़ा फिर बस से फिर मेट्रो से आया। दिल्ली में भी दूर दूर के है ना, साउथ दिल्ली का कोई ईस्ट दिल्ली का काम, तो बेस्ट पार्ट यही है, शायद हम रुक जाते हैं थोड़ा टाइम, है ना, ढूंढने में भी टाइम लग जाता है ना। हाँ यार, मज़ा आ रहा है, अरे आईफोन दिलवाओ, खैर आईफोन दिलवाओ, यहाँ आईफोन मेरा बिकने को आ रखा है। तो फिलहाल अभी हम सारे खाने पीने खा के जा रहे हैं, मज़ा आया बहुत। अभी हम सब पार्क में जा रहे हैं, बैठेंगे बात करेंगे, और अभी वैसे बहुत मज़ा आया ना सबको, ठीक है। तो अभी हम पार्क में जा रहे हैं, वहाँ पर बैठ के बातचीत करेंगे, तो थोड़ा रिकॉर्ड वहाँ करेंगे और फिर घर चलेंगे। 1, 2, 3 स्टार्ट, फील आओ नहीं कुछ नहीं, पहले भाई मेरे काफी क्यों दिखे तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे चन्ना बे, ऐसा लग जाए पता कि हाँ नहीं होने वाला, को मन मारना आसान होता है, कहीं तो मन मारा होगा। देखो आपने यार 3-4 दिन पे मन मार दिया था, क्योंकि पता है क्या, हमारी बात तो कैसे भी ये हुई कि ना, मैंने इस पे एक दिन लाइन मारी तो कुछ नहीं, फिर उसके बाद ना ये पढ़ रही होती थी अकेले बैठ के, याद है पहले, और मैंने ना पीछे से आना एक्टिंग करते, और मैंने ऐसे कहना हो तू पढ़ रही है, जैसे मैं इसको जानता हूँ, कूल बनना ताकि दोस्त बन जाए, पर और रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो 3-4 दिन बाद बात बंद होगी, तो फिर मैंने भी नहीं मारी, मैंने कहा नहीं, फिर ट्यूशन में स्टोरी लाइन में बताया था ना, तो इसकी दोस्त मेरे ट्यूशन में आ गई बैच, वो इससे बात करने गई तो मैं भी गया, तो हमारी सबकी बात होगी, तो फिर हम वो करने लगे क्या, मूवी वगैरह देखने चले गए, फिर उसके बाद दोस्ती शुरू होगी, क्योंकि फिर मैंने भी उस एंगल से सोचा नहीं, क्योंकि शुरू में ही है वो, अभी भी है वो, अपनी शर्ट शूट लेकर नहीं आई। तो काफी टाइम हो गया यार, हम सारे अप्रॉक्स 1.5-2 घंटे साथ बैठे ना, 2 घंटे हम 3.5 घंटे हो गए हम सबको साथ। पहले हम खाने पीने गए, फिर हम यहाँ पार्क में बैठे हुए थे। फिलहाल अभी हमें 4-5 घंटे लगे चंडीगढ़ जाने में, थोड़ा लेट हो जाएंगे तो इसलिए हमें टाइम पे निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों तुमसे मिलकर बहुत मजा आया भाई। दिल्ली के बंदे पता नहीं क्यों बदनाम है, पर ये बहुत सही थे, वो है ना दिल्ली वाले, नहीं कोई भी नहीं, पता नहीं मुकरिया की है ही नहीं दिल्ली के, मैं भूल गया, दिल्ली के है ना, दिल्ली के, दिल्ली सच में दिल वालों की है, सही थे बड़े बंदे, सारे सही थे। तो चलो ओके गाइस, ठीक है, ओके मिलते हैं, ओके बहुत मजा आया सबसे मिलके यार, सारे बहुत सही बंदे थे, ओके ब्रदर। चल रूपाली बोरिया बिस्तर पैक करके निकलते हैं। तो यार अभी हम निकल गए फाइनली चंडीगढ़ के लिए और मीटअप बहुत सक्सेसफुल था, बहुत मज़ेदार था। थोड़ी सी मिस्टेक होगी कि हम सबको गाइड नहीं कर पाए और जो डिसअपॉइंट होकर घर गया होगा ना उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा है कि वो नहीं आ पाया। बट बहुत सही मीटअप था यार, जो भी लोग आए थे कमाल के थे। तुमने देख लिया होगा नेचर, है ना, नेचर तुमने देख लिया होगा व्लॉग में, बहुत सही था। चलो आप कहीं पर रुकेंगे, खाना पीना खाएंगे क्योंकि लेट हो गया काफ़ी, तब बनाएंगे व्लॉग, नहीं तो फिर सीधा चंडीगढ़ मिलेंगे। यार अभी 12 बज चुके हैं, 12 बजने में एक्चुअली 10 मिनट है और हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। तो रूपाली को रूपाली के घर पे छोड़ दिया, तो बस अब वो जाने लगी है अपना सामान ले लिया। ओके भाई अपना देख ले, कुछ और सामान तो नहीं रह गया, टी शर्ट अपनी, अपनी कैप, और कुछ सामान रह गया तो देख ले। बाय 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 बाय। उसको भी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, वो गाड़ी में बैठी बैठी सो गई थी। पिछले 1-1.5 घंटे से मैं अकेला ही चला रहा था, फिर चलो उसको ड्रॉप कर दिया। मैं भी घर जाता हूँ और फिर तुम्हें नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो बाय, टेक केयर।